हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आशा और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कप साबुदाने और एक कच्चे आलू से टेस्टी क्रिस्पी पापड़। तो ये पापड़ आप बड़ी आसानी से अपने घर में किसी स्पेशल ओकेशन पे भी बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये मैंने एक कप करीब 100 ग्राम साबुदाने लिया है और साथ ही में मैंने एक कच्चा आलू लिया है, मैंने एक बड़ा आलू लिया है। इसको मैंने छिलकर वॉश कर एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी। अब होली आने वाली है तो आप इस तरह साबुदाने और एक आलू से मिलकर बहुत सारे पापड़ घर में बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इनको पीसेस में कट कर लिया है और इनको मैं 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। अब साबुदाने को हम मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डालकर एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, मैंने इनका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है और अब मैं ये साबुदाने का पाउडर एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इसी मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में डालकर मैं आलू का भी पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए, आलू के पीसेस को भी मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और आधा कप पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसका भी एक स्मूथ पेस्ट मैं बना लूँगी। तो ये देखिए, आलू का भी मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, एकदम पतला सा पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। अभी देखिए, गैस पर मैंने एक पतीली चढ़ाई है और इस पर मैं 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी और पानी के थोड़े से गुनगुने होते ही मैं इसमें साबुदाने का पाउडर ऐड कर दूँगी और कंटिन्यू स्टर करते हुए मैं साबुदाने को पानी में मिक्स करूँगी ताकि लम्स ना पड़े। तो लो मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू मिक्स करते हुए मैं ये साबुदाने के पाउडर को पका रही हूँ। तो ये देखिए, ये पक कर थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है और अगर इसमें लम्स या गांठे पड़ रही हों तो हम इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से उसको मैश कर लेंगे पतीली में ही। अब ये देखिए, 1 मिनट इसे पकते हुए हो गया है और अब मैं इसमें आलू का पेस्ट भी ऐड कर लूँगी और जार में आधा कप पानी डालकर वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी क्योंकि आलू का पेस्ट हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और ये देखिए, सभी को मैं 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी और अब ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। 3 से 4 मिनट इसे पकते पकते हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स इसमें ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने जीरा इसमें ऐड किया है और 1 छोटी चम्मच ही मैंने नमक इसमें ऐड किया है और अब तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है। और 1 से 2 टेबल स्पून हरे धनिया की पत्तियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अगर आप ये केवल व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप केवल सेंधा नमक ही इसमें ऐड करें। और अब ये देखिए, ये पक कर कितना गाढ़ा हो गया है। लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे अभी भी कुक कर रही हूँ। इसे कंटिन्यू मिक्स करते हुए ही हमें इसे पकाना है वरना ये तले में लगने लगता है। और अब ये देखिए, ये एकदम थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है और अब हमारा जो बैटर है वो बनकर तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह ठंडा हो गया है और अब मैं इसको छत में तेज़ धूप में सुखाने जा रही हूँ। तो मैं करछी की हेल्प से छोटे छोटे पापड़ बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े पापड़ भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको डालते हुए गोल शेप में छोटे छोटे पापड़ फैला रही हूँ। और मैंने पापड़ के लिए प्लास्टिक की सीट ही ली है, आप वही लें क्योंकि प्लास्टिक की सीट थोड़ी चिकनी होती है और ईजीली पापड़ हमारे निकल जाते हैं। और अगर आपकी प्लास्टिक की सीट चिकनी नहीं है तो आप उस पर हल्का सा ऑयल लगा के पापड़ों को फैला सकते हैं। तो ये देखिए, 2 दिन बाद पापड़ एकदम सूख कर ड्राई हो गए हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं ये पापड़। तो ये देखिए, पापड़ हमारे बनकर रेडी हैं और अब हम चलते हैं इनको डीप फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैंने गैस पर रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे और अब मीडियम फ्लेम पर 1 बाय 1 करके मैं पापड़ डाल रही हूँ। आप 1 या 2 पापड़ ही फ्राई करें, इससे ज़्यादा पापड़ ना डालें। तो ये देखिए, पापड़ हमारे जैसे ही फ्राई हो गए हैं मैं इनको निकाल लूँगी। और छोटे छोटे पापड़ हमने बनाए थे और अब ये देखिए कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं। और इनको मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। अब इसी तरह से मैंने दूसरे पापड़ भी डाल दिए हैं और इनको भी मैं दोनों साइड फ्राई कर निकाल लूँगी। तो इसी तरह से मैं अगला बैच भी डाल रही हूँ पापड़ का और इसी तरह से मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और गैस का फ्लेम भी हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर हमें पापड़ नहीं सेकने हैं वरना वो जल जाएंगे। तो ये देखिए, अगला बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। अब सेम इसी तरह से मैं अगला बैच भी फ्राई कर लूँगी। और ये पापड़ आप बड़ी ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं और चाय के साथ आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और चाहे तो आप किसी स्पेशल ओकेशन में भी इन पापड़ को बना के रेडी कर सकते हैं। और अब होली आने वाली है तो आप होली में इन पापड़ों को ज़रूर बनाएँ। और सभी पापड़ को धूप में सुखाने के बाद आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, जब आपका मन चाहे आप गर्मा गर्म उनको फ्राई करें और इन्जॉय करें।
तो ये लीजिए गर्मा गर्म टेस्टी क्रिस्पी पापड़ हमारे बनकर रेडी हैं, और आप इनको चाहे तो ऐसे ही चाय के साथ इंजॉय करें, या आप इसके ऊपर चाट मसाला डालकर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको मेरी पापड़ की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए हमारे पापड़ कितने क्रिस्पी बने हैं, मैं आपको इनका साउंड सुनाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पापड़ हमारे बनकर रेडी हुए हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अब अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।